तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं विघ्नन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 71। पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गई थी, हमने बीच में से पहले परिच्छेद मैंने पिछली बार 69 ले लिया था, लेकिन वो पहले किया जा चुका है। जो मार्क लगा है उसके अनुसार 28-11 को हमने 70वां परिच्छेद पूरा किया था, और उसके बाद में पिछली बार गलती से 69 परिच्छेद को पुनः ले लिया था। खैर, 71वां परिच्छेद प्रारंभ करते हैं। ईशान मुखोपाध्याय के मकान पर श्री राम कृष्ण। कर्मयोग, क्या चिरकाल तक कर्म करना पड़ेगा? ये सब सेक्शन बनाया गया है, और ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्या चिरकाल तक हमें प्रश्न कर्म करना पड़ेगा। गीता में भगवान कर्म करने के लिए अर्जुन को कहते हैं, कर्म करते चले जाओ। लेकिन यहां पर आज देखेंगे श्री राम कृष्ण कर्म के संबंध में क्या कहते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है। उसी समय प्रभाती राग से मंदिर की शहनाई बज रही है। श्री राम कृष्ण उठकर मधुर स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं। कमरे में जिन दिन देवी देवी देवताओं के चित्र टंगे हुए हैं थे, एक एक करके उन्हें प्रणाम किया। फिर पश्चिम वाले गोल बरामदे में जाकर भागीरथी के दर्शन किए और प्रणाम किया। भक्तों से में भी कोई कोई वहां है। उन लोगों ने प्रातःकृत्य समाप्त करके क्रमशः श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया। राखा मास्टर महाशय यहां पर हैं, आप देखेंगे उनको आगे लिखा हुआ है, राखाल श्री राम कृष्ण के साथ इस समय यही हैं। बाबूराम पिछली रात को आए हैं। मणि श्री राम कृष्ण के पास आज 14 दिन से हैं। 2 सप्ताह पूरे उन्होंने स्पिरिचुअल रिट्रीट की। श्री राम कृष्ण के सानिध्य में अगर हम एकांत में जावें तो हमें अपने साथ अपने मन को ले जाते हैं, और उसके साथ में अगर हम भगवत चिंतन कर सके तो ठीक, नहीं तो फिर विषयी चिंतन, सांसारिक चिंतन हमारे साथ में, हमारा मन के साथ चला आता है। लेकिन अगर कोई अवतारी महापुरुष, ऐसा महापुरुष होवे, ऐसे स्थान पर जाए जहां पर कोई महापुरुष विद्यमान होवे, तो ये समस्या नहीं रहेगी, हमारे साथ में एक बहुत बड़ा अच्छा सत्संग हमें प्राप्त हो जाएगा। मास्टर महाशय को यहाँ पर 14 दिन से ये आध्यात्मिक संघ प्राप्त हुआ है। इसके पहले मास्टर महाशय ने उनके कवित्वमय भाषा में, उनका जैसा स्वभाव है, प्रारंभ करते हैं, आसपास की घटनावली का वर्णन करते हैं, आसपास का जो दृश्य है उसका वर्णन करते हैं। आरती का प्रातःकाल हुआ है, मंगल आरती जो हम कहते हैं वो हुई है, और प्रभाती राग में मंदिर में शहनाई बज रही है। श्री राम कृष्ण ने उठकर नामोच्चारण किया है, देवी देवताओं के चित्रों को उन्होंने प्रणाम किया। श्री राम कृष्ण का जो जीवन है, भीतरी जीवन की बात छोड़ दें, लेकिन उनका बाह्य जीवन भी आचरणीय है। मास्टर महाशय ने छोटे छोटे घटनाओं के माध्यम से, छोटे छोटे वर्णनों के माध्यम से बताया है कि श्री रामकृष्ण अपना सामान्य जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। प्रातःकाल हम भी उठें, उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेवें, अपने घर में जो देवी देवताओं के कमरे में, घर में जो देवी देवताओं के चित्र हैं उन्हें प्रणाम करें। स्वामी यतीश्वरानंद जी कहते थे, बिगिन द डे विथ स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट, आध्यात्मिक नाश्ता कीजिए, प्रारंभ कर दिए जीवन का प्रारंभ, मॉर्निंग का प्रारंभ करिए आध्यात्मिक आहार के द्वारा।
वही यहां पर श्री राम कृष्ण ने किया है। सबसे पहले उठकर उन्होंने देवी देवताओं को प्रणाम किया। हमारे यहां पर परंपरा चली आई है, हम लोग उठकर अपना हाथ देखते हैं, ऐसा हाथ देखते हैं, और हमारी परंपरा के अनुसार इन हाथ में सब देवी देवताओं के अलग अलग स्थान हैं, उनको हम दर्शन करते हैं। जो हो, जीवन दिन का प्रारंभ भगवान का स्मरण करके होना चाहिए। लोगों ने जो वहां पर थे उन्होंने भी आकर श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया। इस संबंध में मुझे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, जो एक प्रसिद्ध इटली के प्रसिद्ध संत हो गए हैं, उनके एक शिष्य की घटना याद आती है। वे सेंट फ्रांसिस के साथ में उसके बहुत अनुगत थे, और वे ये मानते थे कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जो करते हैं वो परफेक्ट होता है, वही श्रेष्ठतम आचरण हो सकता है। तो वो इस प्रकार करते थे कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी जब बैठते थे तो वो बैठते थे, वो खड़े होते तो खड़े होते थे, वो हाथ उठाते तो हाथ, यानी इस मात्रा में वे श्री राम कृष्ण सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी अपने गुरु का अनुसरण करने का प्रयत्न करते थे। उसकी भावना अच्छी है, भाव अच्छा है, भले ही हम उसके ऊपर टीका करके कह सकते हैं कि ये उचित नहीं है इत्यादि, लेकिन ये स्मरणीय है, अच्छा है कि वो संत का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज बृहस्पतिवार है, अघन की कृष्णा त्रयोदशी, 27 दिसंबर 1883 ईस्वी। आज सवेरे ही स्नान आदि समाप्त करके श्री राम कृष्ण कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने मणि को बुलाकर कहा, आज ईशान के यहाँ जाने के लिए कह आए हैं, बाबूराम जाएगा, तुम भी हमारे साथ चलना। मणि जाने के लिए तैयार होने लगे। यहाँ देखा श्री राम कृष्ण के पास राखाल हैं और बाबूराम भी हैं। बाबूराम आगे चलकर स्वामी प्रेमानंद हुए और राखाल आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद हुए। जाड़े का समय है, सुबह 8 बजे का समय होगा। श्री राम कृष्ण को ले जाने के लिए नौबत खाने के पास गाड़ी आकर खड़ी हुई। चारों ओर फूल के पेड़ हैं, सामने भगीरथी, सब दिशाएं प्रसन्न जान पड़ती हैं। सब दिशाएं अवश्य प्रसन्न जानेगी, जहां पर भगवान अवतार हो, जो ऐसा व्यक्ति हो जो भगवत चिंतन करता हो, तो सब दिशाएं निश्चित रूप से प्रसन्न होंगी। श्रीमद् भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, नित्योत्सवम भवत्येषाम नित्यश्री नित्य मंगलम येषाम हृदयस्थ भगवान मंगलायतनो हरिः। जिनके हृदय में मंगलायतन, मंगल के घनीभूत विग्रह हरि विराजमान कर रहते हैं, उनके यहाँ उनके जब वे जहां पर भी रहते हैं वहां पर नित्योत्सव भवत्येषाम नित्य श्री नित्य मंगलम। जहां कहीं भी वे जाएंगे वहां पर नित्य उत्सव होगा, नित्य श्री लक्ष्मी और नित्य मंगल होगा। हम भगवान राम को कहते हैं भय हर मंगल दशरथ राम, और क्या, मंगल कर जय मंगल राम, मंगल मंगल मंगलमय। तो भगवान को अपने हृदय में अगर हम बिठा लेवे तो हम जहां कहीं भी जाएंगे वह मंगल होगा। और जो लोग अपने हृदय में भगवान को बिठा लेते हैं, मंगलमय भगवान को, तो उनके साथ चारों ओर मंगल ही मंगल होता। चारों ओर पैरों के फूल है, सामने भागीरथी, सब दिशाएं प्रसन्न जान पड़ती हैं। श्री राम कृष्ण ने देवताओं के चित्रों के पास खड़े होकर प्रणाम किया, फिर माता का नाम लेते हुए यात्रा करने के लिए गाड़ी पर बैठ गए। यह भी हम लोगों की एक परंपरा है, जब हम रवाना होते हैं घर से तो भगवान का नाम लेकर, जय श्री गुरु महाराज जी की जय, महामाई की जय, स्वामी जी महाराज जी की जय, दुर्गा माई की जय। और बंगाल में कहावत है कि जो दुर्गा दुर्गा बोलते हुए घर से रवाना होता है
उसके साथ श्री भगवान शूलपाणि, भगवान शंकर शूल लेकर, त्रिशूल लेकर उसकी रक्षा करते। साथ में बाबूराम और मणि हैं, उन्होंने श्री रामकृष्ण की बनात, बनात की बनी हुई कान ढकने वाली टोपी और मसाले की थैली साथ में ले ली है, क्योंकि जाड़े का समय है, संध्या होने पर श्री रामकृष्ण बनात ओढ़ेंगे, एक शॉल जैसी वो साथ में ले ली। श्री रामकृष्ण का मुखमंडल प्रसन्न है, सब रास्ता आनंद से पार कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे, गाड़ी कलकत्ते में आकर श्याम बाजार से होकर मछुआ बाजार में आकर खड़ी हुई। मणि ईशान का घर जानते थे, चौराहे पर गाड़ी फिराकर ईशान के घर के सामने खड़ी करने के लिए कहा। ईशान आत्मियों के साथ आदर पूर्वक सहास्य मुख श्री राम कृष्ण की अभ्यर्थना कर उन्हें नीचे वाले बैठक खाने में ले गए। श्री राम कृष्ण ने भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। कुशल प्रश्न प्रश्न हो जाने के बाद श्री राम कृष्ण ईशान के पुत्र श्रीश के साथ बातचीत करने लगे। श्रीश एमए बीएल पास करके अलीपुर के में वकालत कर रहे हैं। एंट्रेंस और एफए की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में उनका प्रथम स्थान आया था। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की होगी। जैसा पांडित्य है वैसा ही विनय भी है। लोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं जानते। हाथ जोड़कर शीश ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणि ने श्री रामकृष्ण को उनका परिचय दिया और कहा ऐसी और कह परिचय दिया और कहा ऐसी शांत प्रकृति का मनुष्य दिख नहीं पड़ता। एक शीश के जो पुत्र हैं, ईशान के पुत्र शीश, उनसे श्री रामकृष्ण वार्तालाप करेंगे। श्री रामकृष्ण शीश के प्रति पूछते हैं, क्यों जी तुम क्या करते हो? शीश, जी अलीपुर जा रहा हूं, वकालत करता। श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं, ऐसा आदमी और वकालत? वकालत जैसा काम जिसमें तो आपको विभिन्न प्रकार के लोगों से पाला पड़े, और ऐसा शांत प्रकृति का, सात्विक प्रकृति का लोग वकालत करेगा? श्री राम कृष्ण जरा सा आश्चर्य करते हैं। फिर श्रीश से पूछते हैं, अच्छा तुम्हें कुछ पूछना है? संसार में अनासक्त होकर रहना क्यों? श्री राम कृष्ण जानते हैं कि श्रीश को संसार में रहना पड़ेगा, और यह बात सर्वत्र गीता में भी है, ये तो सार बात है। जो संसार में रहते हैं उन्हें अनासक्त होकर रहना, ये तो बिल्कुल सार बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, और कोई बात नहीं हो लेकिन ये तो कहना ही पड़ेगा, संसार में रहो लेकिन अनासक्त होकर रहो। संसार से भागने का कोई उपदेश नहीं देता। भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश नहीं दिया, अर्जुन छोड़ के जाना चाहते थे, भगवान ने मना किया, और यहां पर भी श्री राम कृष्ण उनसे कह रहे हैं संसार में अनासक्त होकर रहना। अब यहां से कर्मयोग के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण कुछ वार्तालाप हो रहा है। श्रीश कहते हैं, परंतु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अनुचित काम करने पड़ते हैं। कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म, यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है? क्या यह करते ही रहना होगा? श्री राम कृष्ण कहते हैं, कर्म कब तक हैं? जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको। उन्हें प्राप्त करने पर सब चले जाते हैं, तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है। शीश ने प्रश्न किया, और ये प्रश्न हमारा सबका प्रश्न है। हम सब संसार में रहते हैं, हमें अच्छे बुरे कर्म करने पड़ते हैं, कभी कभी ऐसा कर्म करना पड़ता है जो अनुचित प्रतीत होता है, किसी को दंड देना पड़ता है, किसी के बारे में निर्णय लेना पड़ता है, और ये तो वकालत करते हैं, यहाँ पर तो यही सब चीजें उनको करनी पड़ेगी। वकालत न भी करें तो भी हमें जीवन में कई बार ऐसे निर्णय लेना पड़ता है जिसमें यह पता लगाना मुश्किल होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या यह सब कर्म फल कर्मों का फल है? क्या यह करते ही रहना पड़ेगा?
हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारी जो परिस्थिति हमें मिली है, वह क्या हमारे पूर्व कर्मों के कारण मिली है? यह एक प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि इस कर्मों से क्या कभी छुटकारा नहीं मिलेगा? बहुत से लोग तो कर्म से छुटकारा पाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग तो ऊब जाते हैं। वो चाहते हैं कि बाबा इस कर्म से छुटकारा मिले, वो अच्छा है। तो यहां पर उनका यह प्रश्न है, क्या कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता? और श्री रामकृष्ण कहते हैं, कर्म कब तक हैं? जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको। उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं, ताप तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है। फल आ जाने पर फूल चला जाता है, फूल दीख पड़ता है फल होने के लिए। संध्याधित कर्म कितने दिन के लिए? जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच न हो आए, आंखों में आंसू न आ जाए। ये सब अवस्थाएं ईश्वर प्राप्ति के लक्षण हैं, ईश्वर पर शुद्धा भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं। उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के परे चला जाता है। राम प्रसाद ने कहा है, भुक्ति और मुक्ति को मैं सिर मस्तक पर धारण करता हूँ और काली ब्रह्म है यह मर्म जानकर धर्माधर्म को मैंने छोड़ ही दिया है। उनकी ओर जितना बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटा देंगे। गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास धीरे धीरे उसका कर्म घटा देती है। जब दसवां महीना होता है तब बिल्कुल काम घटा दिया जाता है। बच्चा हो जाने पर वह उसी को लेकर व्यस्त रहती है, उसी को लेकर आनंद करती है। यहां पर श्री राम कृष्ण एक ऐसी बात कह रहे हैं जो संभवतः गीता में इतने जोर देकर नहीं कही गई है। वैसे गीता में भी भगवान कहते हैं अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को त्याग कर, जो भी तुम्हारे कर्म ये करना है कि नहीं करना है इत्यादि जो सब विचार है, उन सारे विचारों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर। लेकिन वहां पर शरणागति की बात है, यहां पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जितना हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे उतना हमारा कर्म कर्म होता चला जाए। और उसके एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जब एक गृहिणी के बहू के गर्भवती होने पर सास उसका कर्म कर देती है, और जब पूरा 9 महीने हुए, 10वां महीना हुआ है, कर्म घटा घट जाता है। बच्चा होने पर वह उसी को लेकर रहती है, उसी को लेकर आनंद करती है, बाकी इस घर के काम नहीं करती। उसी प्रकार से अगर हमारी भक्ति परिपक्व हो जावे, हम जितने भक्ति में गहरे डूबेंगे उतने कर्म अपने आप छूट जाएंगे, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूटेंगे। यह बात महत्व की है। श्री राम कृष्ण अन्य भी दृष्टांत देते हैं कि जैसे एक नारियल का पेड़ हो और उसका जो पत्ता है जब हरा होता है उसे अगर आप खींचने का प्रयत्न करो तो वो जो नारियल का जो तना है उसकी एक छाल लेकर उसके साथ निकलेगा। लेकिन अगर जब नारियल का पत्ता पूरा पक जावे, बड़ा हो जावे, तो अपने आप वो सूख कर गिर जाए। उसी प्रकार से जितना हम भगवान की तरफ जाएंगे, जितने आध्यात्मिक बनेंगे, भगवान में जितना मन लगने लगेगा उतना ही हमारे कर्म धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ये श्री राम कृष्ण स्पष्ट कहते हैं। और कहते हैं जब भगवान का पूर्ण दर्शन हो जाएगा, जब भगवान का स्मरण करते हुए रोमांच हो जाएगा, आंखों में से आंसू आ जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी, तब संध्या आदि कर्म जो नियत नित्य कर्म है, जो प्रतिदिन करने का है, वैदिक विधान है उसका, वह भी छूट जाएगा। ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच हो जावे, आंखों में आंसू आ जावे, ईश्वर की प्राप्ति और भक्ति के जब ये लक्षण है ये प्राप्त हो जावे, तब कर्म पाप और पुण्य कर्म दोनों छूट जाते हैं।
वह व्यक्ति फिर कर्म नहीं कर सकता। स्वयं श्री राम कृष्ण के जीवन में यह स्थिति हुई थी। श्री राम कृष्ण की माता का जब देहांत हुआ तो पुत्र के नाते वे माँ को तर्पण करना चाहते थे, लेकिन गंगा से जब उन्होंने जल दिया तो हाथ जो है वो टेढ़ा हो गया, गंगा का जल हाथ में आया ही नहीं। शास्त्रों में श्री राम कृष्ण बड़े दुखी हुए कि मेरी कैसी स्थिति हो गई कि मैं माँ को तर्पण के लिए जल भी नहीं दे पा रहा हूँ। तब किसी ने कहा, इसे कहते हैं गलित हस्त। जो भगवत दर्शन कर लेता है, ये कर्मों का उद्देश्य क्या है? ये नियमावली जो कर्मों की बनाई गई है, इसका उद्देश्य है नियमित रूप से जब करने से मन जो है हमारा वो संयत होता है, कंट्रोल होता है, चित्त शुद्ध होता है, और इस चित्त शुद्ध चित्त के द्वारा हम भगवान में मन लगाते हैं। लेकिन जब उद्देश्य ही पूर्ण हो गया, चित्त शुद्धि के बाद भगवत दर्शन का उद्देश्य जब पूर्ण हो गया तो फिर कर्म की क्या आवश्यकता, यह अपने आप छूट जाते। तो श्री राम कृष्ण इसी बात को कह रहे हैं यहां पर, उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से परे चला जाता है। ये पाप और पुण्य का भाव भी रिलेटिव, जिसे हमने कहा ना, ये एक किसी अवस्था में एक कर्म जो है वो पाप कहलाएगा, लेकिन दूसरी अवस्था में वही कर्म पुण्य होता है। जब युद्ध में एक मनुष्य एक सैनिक दूसरे की कईयों की हत्या करता है, शत्रु को मारता है, तो उसको बड़ा प्रशंसा की जाती है, उसकी वाहवाही किया जा सकता, उसने पुण्य किया। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर वो किसी की हत्या करेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, वो पाप हो जाएगा। इस प्रकार अनेक कर्म ऐसे हैं जिनमें पाप और पुण्य का निर्णय इतना आसान नहीं है, और इसीलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं ये पाप और पुण्य का उद्देश्य क्या है, मन संयत रहे, हम निस्वार्थ बने, चित्त शुद्ध होवे, और उसके बाद में हम भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करें। राम प्रसाद ने कहा है, भुक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ, काली ब्रह्म है यह मर्म जानकर धर्माधर्म को मैंने छोड़ दिया है। एक स्थिति ऐसी आती है कि धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, मानव उसके ऊपर चला जाता है। ये सब रिलेटिव है, ये सापेक्ष है, वह ऐसी स्थिति है जो इन दोनों द्वंद्वों से ऊपर की स्थिति है। अब श्रीश प्रश्न करते हैं, संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर आज मिला हमको कर्म के संबंध में, कर्म कब तक रहना, भगवान में मन कैसे लगाना इत्यादि। संसार में रहते हुए भगवान की ओर जाना बड़ा कठिन, बड़ी समीचीन बात उन्होंने की। श्री राम कृष्ण कहते हैं क्यों, अभ्यास योग है। उस देश में बढ़ई की औरतें चिवड़ा बेचती हैं, वे कितनी और ध्यान देकर कितने काम संभालती हैं। सुनो, एक तो ढेंकी चल रही है, हाथ से वह धान सरका रही है, और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है। ऊपर से जो खरीदार आते हैं उनसे मोल तोल कर रही है। इधर ढेकी का काम भी चल रहा है। खरीदार से कहती है, तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं वे सब दे जाना, तब और चीज ले जाना। देखो, लड़के को दूध पिलाना, ढेकी चल रही है उसमें धान सरकाना और कुटे हुए धान निकालना, और इधर खरीदार से बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही हैं, इसे ही अभ्यास योग कहते हैं। परंतु उसका 15 आना मन ढेकी पर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि ढेकी हाथ पर गिर जाए और एक आना मन लड़के को दूध पिलाने और खरीदार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग संसार में हैं, उन्हें 15 आना मन ईश्वर को देना चाहिए, न देने से सर्वनाश हो जाएगा, काल के हाथ पड़ना होगा, और एक आने से दूसरे काम करो। पता नहीं आप लोगों ने ढेकी देखी है कि नहीं देखी, हमने भी देखी नहीं है, लेकिन उसका चित्र अवश्य देखा है। ढेकी यानी वो मूसल, उखल वो है, उसमें एक मूसल और वो एक तरफ से एक लीवर है, उससे एक आदमी चला रहा है उसको, तो
तो वो अपने आप उठती है गिरती है, नीचे उसके अंदर धान रखा हुआ है उसको कूट रहे हैं, क्योंकि जिससे वो धान के जो धान के ऊपर का जो छिलका है वो निकल जावे, चावल अलग हो जावे। और एक आदमी एक महिला बैठकर उसको हिलाती रहती, और वो तो बराबर चल रही है, उसको हिलाना पड़ता है। अगर नहीं हिलाए तो एक ही जगह गिरेगा, वो ठीक से काम नहीं होगा, कोई ना कोई तो होना चाहिए हिलाने के लिए। अब उसके लिए ये है कि हाथ तो उसी के अंदर है, जब ऊपर से नीचे गिरा तब थोड़ा सा हाथ हटाना ही पड़ेगा, जब ऊपर गया तब हिला लिया, जब वापस नीचे गिरा वो तो फटाफट फटाफट चल रहा है, आधे मिनट में दो तीन बार हो गया। और ऐसे में हाथ को बराबर ढेकी से अलग हटना, फिर उसको धान को हिलाना, ये सब करना है। और इधर बच्चे को दूध पिलाना है, खरीददार जी से बात कर। और ठीक बात है, अगर ध्यान हाथ पे नहीं रहे, जरा सी गलती होवे तो ढेकी हाथ पे पड़ जाएगी और चकनाचूर हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं 15 आना मन, उसका 15 आना मन अपने हाथ पर है। एक आने मन से दूध पिला रही है और एका और बाकी काम जो है वो एक आने से कर। रुपये का हिसाब किया ना, पहले जमाने में रुपया था, श्री रामकृष्ण अन्यत्र कहते हैं कि एक हाथ से संसार का काम करो और एक हाथ से भगवान को पकड़ो। यहां पर तो 15 आने की बात है, 15 आना और एक आना का हिसाब किया, 1:15, वहां 50% 50 आधा काम, आधा मन भगवान में रखो और आधा मन से संसार का काम करो। थोड़ा सा हमको उन्होंने थोड़ी सी राहत दी है वहां पर। स्वामी विवेकानंद और ब्रह्मानंद जी कहते हैं 75% मन भगवान में रखो और 25% मन से संसार का कर्म करो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हम पूरा मन संसार में नहीं देंगे तो संसार का काम ठीक से चलेगा क्या? हम तो सारा मन संसार में देते हैं, पूरा काम करते हैं, ठीक चलेगा अगर अभ्यास व्यति हो जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं अभ्यास योग, अगर अभ्यास हो जाए तो ठीक चलेगा, मानव का मन पड़ा रहेगा उसी जगह पर और बाकी सारा काम होगा। होता भी है, एक माँ का बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा, वो घर का सारा काम कर रही है लेकिन माँ घर पड़ा हुआ है, उसका मन बच्चे में पड़ा हुआ है, सारा काम कर रही है, बच्चे की खुट 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 आवाज आ रही है खेलने की, तो वो उसको पता है कि बच्चा वहां पे। 5 मिनट अगर आवाज नहीं आए तो अचानक करेगी, वो क्या हुआ, उसको कहाँ है, देखने चली जाएगी कहाँ है वो। उसका मन, अधिकांश मन जो है वो बच्चे में पड़ा हुआ। युवक युवती जब प्रेम करते हैं, लव अफेयर जब होता है, तब क्या होता है, सारा काम कर रहे हैं घर पर का, संसार का सारा काम कर रहे हैं लेकिन मन उसमें पड़ा हुआ है। उसी प्रकार से भगवान में मन रखकर संसार के कर्म किए जा सकते हैं, अधिकांश मन भगवान में रखकर संसार के कर्म किए जाते हैं। अवश्य श्री राम कृष्ण अन्यत्र यह भी कहते हैं कि इसके लिए पहले निर्जन में एकांत में जाकर साधना करनी चाहिए और उसके बाद में तुम ये काम कर सकोगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा कठिन होगा। निर्जन में जाकर एकांत में अभ्यास कर लो भगवान का स्मरण करने का, उसके बाद में संसार में रहोगे तो मन का एक भाग जितना भी हो, 1%, 2%, 20%, 25%, 50%, और इतना 15 आना, ये सब भाग जो है वो भगवान में लगा रहे। अब यहां पर एक बात देखने की है, वो क्यों उसका हाथ में मन जा पड़ा हुआ है, वो जानती है कि अगर मैं वहां हाथ में मन नहीं रखूं तो अनर्थ हो सकता है। हमारे मन में यह भाव नहीं आता कि हम अगर भगवान में मन नहीं रखें
तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भगवान को मन नहीं रखे तो चल ही रहा है संसार, क्या भगवान भगवान करते हो, क्या जरूरत है भगवान की। हमको तो लगता ही नहीं है कि भगवान को छोड़ देने से हमारे जीवन में कोई अनर्थ होगा। एक बार अगर भगवान लग जावे कि नहीं नहीं भगवान को थोड़ा सा भी विस्मरण किया कि हमारे जीवन में महा अकल्याण होगा। उपनिषद में तो कहा गया है यह वेद अथ यह चेद वेदित अथ सत्यमस्ति नो चेद अवेदित महती विनस्ति विनष्टि। केनोपनिषद में है कि परमात्मा को जान लो तो ठीक है, और नहीं जाना तो महती विनष्टि, महान विनाश हो जाएगा। वहां तो जानने की बात है, यहां तो भगवान श्री रामकृष्ण स्मरण करने की बात है कि नहीं, किसी न किसी प्रकार से जल्दी जल्दी भगवान को जान लो, भगवान के साथ एक हो जाओ, भगवान का स्मरण कर लो, अन्यथा महान विनष्टि, महान अनर्थ हो जाएगा। तो यह अनर्थ का भाव विचार के द्वारा हो या किसी भी प्रकार से कि भगवान के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये हो जावे तो फिर भगवान में मन लगेगा। दूसरा है प्रेम, जो अभी चर्चा की है, आधा मन संसार में रखो, आधा मन भगवान में रखो। भगवान में जैसे और दृष्टांत श्री रामकृष्ण देते हैं, वो भगवान में आधा मन लगाकर संसार का काम करो। यदि भगवान में प्रेम हो जावे, भगवान अच्छे मीठे सुखकर लगने लग जावे तो अच्छा रहेगा, उसी में मन लगा रहे। और इसीलिए हमारे यहाँ पर श्री कृष्ण, श्री राम, श्री राम कृष्ण, इनकी लीलाओं का वर्णन, इसका उद्देश्य क्या है। हमने उनको देखा नहीं, लेकिन इनकी लीलाओं का स्मरण मनन करते 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 उनके प्रति रुचि पैदा हो जाए, अच्छा लगने लग जावे, उनको लगे चलो उनका स्मरण करें, उनकी कहानी पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, कोई सिनेमा आवे तो उसको देखें, रामायण सीरियल, कृष्ण का सीरियल देखें, जिससे हमको उनमें अच्छा लगे, मन लगे। इसके पीछे भाव यही है कि भगवान में किसी किसी ने प्रकार से रुचि हो जावे, प्रेम हो जावे। और वर्णन इसी प्रकार के उनके किया जाते हैं कि वे करुणामय हैं, प्रेम में हैं, जो पापी हैं उनको भी प्रेम करते हैं, जो शरणागत हैं उनको वह शरणागत वत्सल हैं, इत्यादि का वर्णन करते हैं, जिससे उनके प्रति हमारा आकर्षण। तो प्रेम अगर हो जावे तो फिर भगवान में मन लगाना आसान हो जाए। यहां पर श्री रामकृष्ण केवल एक ही बात कहते हैं, वही 15% मन वहां लगाकर करो, और उसके लिए क्या करना है, अभ्यास योग, प्रैक्टिस। प्रतिदिन सुबह शाम बैठकर भगवान में मन लगाने का अभ्यास कीजिए। हम करेंगे कुछ नहीं, दुर्भाग्य यह है, धीरे धीरे अगर अभ्यास करें तो एक अवस्था ऐसी आती है जब जिस समय ध्यान करने का समय हुआ, उस समय आसानी से स्वाभाविक रूप से स्मरण मनन चालू हो जाता है। आप रेल में जा रहे हैं लेकिन ध्यान का समय हुआ तो मन स्वाभाविक रूप से ध्यान करने लगा। अभ्यास योग। और उसका अभ्यास का परिणाम प्रभाव हमारे सारे जीवन में भी पड़ता है, मन का एक भाग, थोड़ा सा भाव भगवान में लहने लग जाता है। दूसरी बात श्री राम कृष्ण आगे कह रहे हैं, पहली बात कही अभ्यास योग की, दूसरी बात कहते हैं ज्ञान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परंतु पहले तो ज्ञान लाभ करना चाहिए। संसार रूपी जल में मन रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जाएंगे, इसलिए मन रूपी दूध का दही बनाकर निर्जन में उसे मत कर उससे मक्खन निकालकर तब उसे संसार रूपी पानी में रखना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि साधना चाहिए। पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरे और गोएं उसे चर जाती हैं। परंतु उसकी मोटी पेड़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल दिया जा सकता है, तब तो हाथी भी बांध देने पर भी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता।
तो यहां पर क्या कहा, ज्ञान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, दूसरी बात कही ज्ञान हो जाने पर रहा जा सकता है, एक बात कही अभ्यास योग, और यहां पर निर्जन में एकांत में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है। तो पहली अवस्था हमारी कौन सी अवस्था है? हम लोगों की सबकी पहली अवस्था है। ये मत समझिएगा कि हम तो अब बड़े हो गए, हाँ अब उम्र हो गई है, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, अब तो हम बढ़ गए हैं, मैच्योर हो गए हैं। नहीं, वे अध्यात्म की दृष्टि से पहली अवस्था ही है। इसमें ऐसे समय में भी निर्जन में रहना, अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से सुरक्षित करना, प्रोटेक्शन देना, ये भी आवश्यकता है। सत्संग में रहना, दुस्संग से दूर रहना, ये पहली अवस्था में भी आवश्यक है, अभी भी आवश्यक है। अन्यथा हम नहीं समझ पाते और किसी न किसी प्रकार संसार हमारे मन के भीतर घुस जाता है। इसलिए श्री राम कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी कभी निर्जन में जाना पड़ता है, साधना आवश्यक है। भात खाओगे, बैठे बैठे कह रहे हो लकड़ी में आग है और उसी आग से चावल पकता है, इस तरह कहने से क्या भात तैयार हो जाएगा? एक और लकड़ी ले आकर दोनों को रगड़ना चाहिए, आग तभी तैयार होगी। भंग खाने से नशा रहता है, होता है, आनंद होता है, न तुमने खाया न कुछ किया, बैठे बैठे केवल भंग भंग कर रहे हो, क्या इससे कभी नशा या आनंद होता है? ये सर्वत्र श्री राम कृष्ण अभ्यास योग की बात कहते हैं, करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। केवल पढ़ लिया वचनामृत सुबह शाम व्यक्ति पढ़ लेते हैं। एक जगह अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, स्वामी ब्रह्मानंद जी की टीचिंग या किसी की टीचिंग में, वो कहते हैं महाराज इतना तो हम पढ़ते हैं, वचनामृत पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, कुछ तो होता नहीं। पढ़ते तो हो लेकिन कुछ करते नहीं। अब ये पढ़ा है तो इसके बाद में बैठकर लगिए आधा घंटा एक घंटा सुबह ध्यान करिए, भगवान का नाम लीजिए, मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न कीजिए, लीला चिंतन कीजिए, कई प्रकार की बातें हैं, कुछ कीजिए तब तो होगा। श्री राम कृष्ण यही बात कहते हैं, बोलने से नहीं होगा, केवल पढ़ने से भी नहीं होगा। हम कुछ नहीं करते, दिन भर इधर उधर छटपट करते रहते हैं, क्षण भर बैठ नहीं सकते और कहते हैं कि कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला। श्री राम कृष्ण बड़ी कड़ी बातें कहते हैं, अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास की कंडीशन गीता में भगवान कहते हैं, अभ्यास न तो कौन थे या वैराग्य न चक्री यते। श्री राम कृष्ण वैराग्य की बात तो नहीं कर सकते, कर रहे हैं यहां पर, अभ्यास की बात कर रहे हैं और विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा। अभी वैराग्य की बात भी आएगी, वैराग्य की बात भी आ रही है। पतंजलि योग सूत्र भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन ने जब कहा कि मन को एकाग्र करना अत्यंत कठिन है, भगवान स्वीकार करते हैं कि जो तुम बात कहते हो वो ठीक है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। लेकिन वहां पर अभ्यास की क्या कंडीशंस है, अभ्यास कैसे करना चाहिए, उसका वर्णन नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास का वर्णन है। अभ्यास कौन सा है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। मन को भगवान लगा में लगाना है या निरोध करना है तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा होता है। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वह यत्न करना, बार बार प्रयत्न करना मन को भगवान में लगाने का, इसको कहते हैं अभ्यास। प्रैक्टिस, आप समझते हो ना, प्रैक्टिस, क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस, टेबल टेनिस खेलने की प्रैक्टिस, जो जो भी कई चीजें हैं उनको अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस। छोटे बच्चे थे तो वो अल्फाबेट लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ता था। मैं देख रहा था वो ऐसी वो होती थी ए, वैसा कि बिल्कुल ऐसा दो लाइन के बीच में ले लिखना पड़ता है, दूसरी जगह फिर लिखना पड़ता था। और छोटे छोटे हम बच्चे थे तो कहते थे ये क्या बार 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 जब कोई वही चीज लिखाना है, वो तो लिख लिया है। नहीं, वो प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे कि हमारे हाथ का लिखने का अच्छा हैंडराइटिंग की अभ्यास हो जाए।
वो हाथ की आदत हो जावे उसके बाद में। तो ये अभ्यास की तीन कंडीशन पतंजलि कहते हैं, भगवान में मन लगाने के लिए तीन कंडीशन है। दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, कुछ दिनों तक, 15-20 दिन, महीना भर तक प्रैक्टिस करने से नहीं चलेगा। अरे ये क्रिकेट प्लेयर तेंदुलकर जैसा है तो वो कहीं पर उसको कहीं सत्कार देने वाले थे, देर से पहुंचा और कहा उसने जाते ही कि क्षमा करिएगा मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अरे इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट प्लेयर, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है। अभ्यास दीर्घ काल तक, कोई टाइम नहीं दिया, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल नहीं, दीर्घ काल, निरंतर, यह निरंतर करना है। कुछ दिन किया फिर 4-5 दिन की ब्रेक हो गया, हाँ अरे हम बाहर गांव गए थे इसलिए हम नहीं कर पाए, ऐसा नहीं चलेगा। टाइम आया उस समय चाहे कहीं भी हो वहां पर बैठकर ध्यान जप कीजिए, बिना उसके संस्कार नहीं पड़ता, आदत नहीं बनती। और सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि, सत्कार के द्वारा, आदर के द्वारा, लगन के द्वारा, ऐसा भाव कि चाहे कुछ भी हो मैं करूंगा, बेगार टालने का भाव न हो, ये तीन कंडीशन के द्वारा जब अभ्यास किया जाता है तब वो दृढ़ भूमि होती है, उसका संस्कार बनता है, आदत बनती है, और उसके बाद में चाहे कैसी भी स्थिति हो मन भगवान में लगा रहता है। तो इसीलिए कहते हैं श्री राम कृष्ण, अभ्यास योग के द्वारा ये चीज होती है। उसके बाद में पढ़ना लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर भक्ति हुए बिना, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुए बिना, सब मिथ्या है। यहां पर तो श्री राम कृष्ण बिल्कुल कड़ी बात कह दिया, पढ़ना लिखना चाहे लाख करो। उन्होंने तो वकालत पढ़ी थी ना, क्या हुआ, उन्होंने बीए, एमए बीएल किया था और उसके बाद में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में फर्स्ट आया था। श्री रामकृष्ण का ठीक है, आया है आया है, लेकिन भगवान में भक्ति नहीं है क्या, तब तुम किसी काम के नहीं, पांडित्य किसी काम का नहीं है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुए बिना, भगवान में भक्ति हुए बिना केवल पांडित्य है, परंतु यदि विवेक वैराग्य नहीं है उसकी तो उसकी दृष्टि कामनी कांचन पर अवश्य रहेगी। गीत बहुत ऊंचे उठते हैं परंतु उनकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। यहां पर श्री राम कृष्ण विवेक वैरागी की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, लेकिन यहां पर पतंजलि जो कहते हैं, श्री कृष्ण गीता में जो कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम, वैराग्य भी होना चाहिए। लोग अभ्यास की तो चर्चा करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस अटेंड करते हैं, कैंप अटेंड करते हैं, वहां पर कभी वैराग्य की बात की जाती है क्या? प्राणायाम करो, वो एकाग्र करो, आसन करो, कितने कितने प्रकार के प्राणायाम सब बताते हैं, कोई कभी वैराग्य की बात करता है? कभी नहीं करता। क्यों? जानते हैं कि लोग सुनेंगे नहीं, वैराग्य के बिना नहीं होने वाला, फिर नहीं आएंगे, तो वैराग्य होने की बात करेंगे तो कोई सुनने नहीं आएगा, वहां पे कुछ ट्रेनिंग के लिए नहीं आएगा, अब बिजनेस नहीं चलेगा, कैंप आपका बिजनेस, स्कूल, कैंप जो कुछ है वो सब कुछ नहीं चलने वाला वैराग्य। इसलिए श्री रामकृष्ण यहां, इसलिए गीता में भगवान अभ्यास वैराग्य अभ्याम तद निरोह, गीता में भी ये कहते हैं और पतंजलि योग सूत्र में भी कहते हैं और श्री राम कृष्ण यहां पर कहते हैं, त्याग के बिना नहीं होगा। अन्यत्र श्री राम कृष्ण ने कहा है त्याग के बिना नहीं होगा, भगवान को पाना है तो संसार को छोड़ना पड़ेगा। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम, दोनों रवि रजनी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, सूर्य और प्रकाश अंधकार एक साथ नहीं हो सकते। तो जहां भगवान को पाना हो तो संसार को त्यागना होगा। अवश्य जैसा कहा, कोई भगवान में पूरा मन लगवाए तो संसार अपने आप छूट जाए, वो बात दूसरी है, लेकिन पांडिताई के साथ में आप समझो कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे
नहीं होगा। हम सब कुछ करते हैं लेकिन भगवान को न तो प्रेम है न वैराग्य। विवेक वैराग्य न होवे, भगवत भक्ति न होवे, तो पंडिताई पढ़ा लिखा सब व्यर्थ। जिस विद्या को प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है वही विद्या यथार्थ विद्या है और सब मिथ्या है। सा विद्या या विमुक्तये, जिस विद्या के द्वारा विमुक्ति होती है वही विद्या। और मुंडक उपनिषद में तो दो विद्या बताई, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपरा च। जो अपरा विद्या है लोअर विद्या, ये पंडिताई शास्त्र जानना, लॉ बीए एमए एल क्या क्या आजकल तो क्या क्या सब है, एमबीए और पता नहीं कितने सब नई नई चीजें निकल आई हैं, एमडी है और डीएम है, ये सारी की सारी चीजें अपरा विद्या, इन्फीरियर नॉलेज। और जिस विद्या से विमुक्ति होती है, या तद ब्रह्म अधिगम्यते, जिसके द्वारा ब्रह्म को परमात्मा को जाना जा सकता है, वह विद्या पराविद्या कहलाई। और श्री राम कृष्ण यही कहते हैं, जिस विद्या के प्राप्त होने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है वही यथार्थ विद्या है, बाकी सब मिथ्या। और श्री राम कृष्ण का जीवन का प्रत्यक्ष दृष्टांत, उन्होंने बचपन से ही उस विद्या को पूरी तरह त्याग दिया। रोजगार कमाना है, पैसा कमाने की विद्या, वोकेशनल ट्रेनिंग, उसको आजकल बहुत महत्व दिया जाता है, उनको उसने पूरी तरह कहा मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो वह विद्या जानना चाहता हूं जिससे भगवान को जाना जा सके। और फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े पंडित उनके चरणों में आकर बैठते थे। श्री राम कृष्ण कहते थे मैं निरक्षर हूं, मैं कुछ नहीं जानता। श्री राम कृष्ण परा विद्या जानते थे, बाकी सब लोग अपरा विद्या, इन्फीरियर नॉलेज। इसीलिए श्री राम कृष्ण के चरणों में आकर वे लोग बैठते थे, कहते थे, पंडित लोग कहते थे, महाराज हम पंडिताई की है हम लोगों ने, हमने तो सार तत्व का, शास्त्रों का सार तो आपने ही जाना। पंडित लोग उनके सामने मानो केंचुए हो जाते। श्री रामकृष्ण इसीलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वही विद्या यथार्थ विद्या है। बहुत पढ़ लिखे गए लेकिन भोग पर दृष्टि हो तो गीत के जैसा बहुत ऊपर चला गया लेकिन वो मरघट में ही, वो जो मुर्दा पड़ा हुआ है उस पर ही दृष्टि रहती है उसकी, चाहे बहुत ऊंचा देखता हो, बहुत ही दीक्षित। और आजकल हो ही रहा है ना, जितना बौद्धिक बुद्धि का विकास, उसका उपयोग किस में हो रहा है, भोग में तो, संसार को नष्ट करने के लिए ही तो, पैसा कमाने के लिए ही तो, ये सारा दुरुपयोग बुद्धि का हो रहा है, पंडिताई का दुरुपयोग हो रहा है। श्री राम कृष्ण बहुत स्पष्ट बात कहते हैं, बड़ी कड़ी बात भी कहते। अब यहां से थोड़ा सा विषय परिवर्तन श्री राम कृष्ण कर रहे हैं। सच पूछा जाए तो काफी कड़ी बात कह दी है, अब इससे अधिक और क्या कहने का बचता। अच्छा, ईश्वर के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है, थोड़ा सा बदल दिया। खास बात तो बता दी उन्होंने, संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन है। इसके उत्तर में श्री रामकृष्ण ने बता दिया, बाबा निर्जन में जाकर रहो, विवेक वैराग्य रखो, अधिकांश मन भगवान में रहकर संसार करो, तब कोई गलती नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछते हैं ईश्वर के संबंध में क्या धारणा। श्रीश उत्तर देते हैं, जी इतना बोध हुआ है कि कोई एक ज्ञानमय पुरुष है, उनकी सृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय मिलता है। एक बात कहता हूं, जिन देशों में जाड़ा ज्यादा होता है वहां मछलियां और दूसरे जल जंतुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर ने यह कुशलता दिखाई है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है उतना ही पानी सिमटता जाता है, परंतु आश्चर्य यह है कि बर्फ बनने के पहले ही पानी कुछ हल्का हो जाता है और उस समय पानी का फैलाव ज्यादा हो जाता है। तालाब के पानी में वहां
जाड़े में मछलियां अनायास ही रहती हैं। पानी के ऊपर हिस्से में बर्फ जम गई है, परंतु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों पानी बना रहता है। अगर खूब ठंडी हवा चलती है तो वह हवा बर्फ पर लगती है, नीचे का पानी गर्म रहता है। ये आप सब जानते हैं। ऊपर बर्फ हो, सारी डल लेक जो है उसके ऊपर बर्फ हो गई है, पूरी एक लेयर, नीचे अंदर पानी है, अंदर मछलियां आसानी से रह सकती। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार की भगवान की व्यवस्था, भगवान के नियम, अगर लॉ देखना हो तो देखते हैं कि पता चलता है कि ये सारा संसार एक नियम के अनुसार चल रहा है, और एक विचित्र नियम है जिससे संसार के कल्याण की व्यवस्था भगवान ने कर रखी। ज्ञानमय पुरुष हैं, ऐसा ज्ञान का, उनके ज्ञान का हमें देखने का, सृष्टि को देखने से परिचय मिलता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं वे हैं, यह बात संसार देखने से ही मालूम हो जाती है। यही बात जो शीश ने कहा, थोड़ा सा अगर कोई विचार करे तो लगेगा कि इस संसार को के पीछे एक विधान है, एक नियम है, और उस नियम को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता अवश्य होनी चाहिए। केवल प्रकृति, जड़ प्रकृति को कहने मात्र से नहीं चलेगा, उसके पीछे कोई एक चैतन्य सत्ता, नियामक सत्ता अवश्य होनी चाहिए, ऐसा लगता है। परंतु उनके संबंध में सुनना एक बात है, उन्हें देखना और बात है, और उनसे वार्तालाप करना और बात है। श्री राम कृष्ण घूम फिर के अनुभूति पर आते हैं, घूम फिर कर साधना पर आते हैं। हम लोग बैठ कर बात कर रहे हैं, अरे भगवान है कि नहीं है, बड़े बड़ी बड़ी बात, किसी ने कुछ बात करी, किसी ने कुछ बात की, घंटे दो घंटे तक डिस्कशन हुआ, भगवान है कि नहीं, भगवान अगर है तो उसका स्वरूप क्या है। ये बातचीत करना, सुनना, डिस्कशन करना, तर्क वितर्क करना, ये एक बात है, लेकिन उन्हें देखना और बात है। भगवान का अनुभव किया जा सकता। श्री राम कृष्ण कहते हैं उनसे वार्तालाप करना और बात है, देखना, वार्तालाप करना, हैंडशेक करना, हेलो, भगवान से किया जा सकता है, अद्भुत बात। श्री राम कृष्ण ये अद्भुत बात कहते हैं। और उनसे वार्तालाप करना और बात है, किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा है, किसी ने दूध पिया है। आगे सर्वत्र कहते हैं किसी ने जब दूध की बात सुनी है ये तब अज्ञान है, याद रखिए, ज्ञान भी नहीं है। जिसने देखा है दूध को वो ज्ञान है, और जिसने अगर दूध पीकर हृष्ट पुष्ट हुआ है वह विज्ञान। और श्री रामकृष्ण तो यहां तक कहते हैं कि फिर ज्ञान तक नहीं ठहरना, हमको तो विज्ञान तक जाना है, भगवान का ध्यान ही नहीं करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, उनसे बातचीत करना। स्वयं श्री रामकृष्ण करते थे, वर्णन आता है श्री रामकृष्ण वचनामृत में, आप लोग देखेंगे, श्री रामकृष्ण मां से बात कर रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, केवल श्री रामकृष्ण की बात सुन रहे हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण मां जगदम्बा की बात कर रहे हैं। अच्छा, तू कह रही है कि मैं वहां जाऊं भावमुख में रहूं? नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा भावरूप में। अच्छा, तू जैसा कहती। श्री रामकृष्ण ये बात कर रहे हैं, लेकिन मां जगदम्बा ने जब कहा वो अपने जानते। श्री रामकृष्ण जो बात कहते थे वो साक्षात अनुभूति की बात थी, इसलिए वो बात हमारे सीधे मन में जाती है। वो कहते हैं कि देखना, वार्तालाप करना, ये सब किया जा सकता है। ईश्वर के दर्शन जब होंगे तभी तो शांति होगी, जब उनसे वार्तालाप होगा तभी तो आनंद होगा और शक्ति बढ़ेगी। ये श्री राम कृष्ण का संदेश, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य। यतीश्वरानंद जी कहते थे देयर इज नो लिमिट टू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई इति नहीं है, कोई उसकी सीमा नहीं है, एक के बाद एक अनुभूतियां होती जा सकती। दुर्भाग्य यह है कि हम लोग कोई भी उस अनुभूति को चाहना नहीं चाहते, हम लोग इन किताबों में ही व्यस्त रहते हैं, डूबना, भगवान के लिए रोना, भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करना अधिकांश हम लोग नहीं करते।
श्री राम कृष्ण बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है, उन्हें देखा जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बार बार उन्होंने इसकी बात कही। लेकिन श्रीश पुनः हमारी ही बात करते हैं, उन्हें पुकारने का अवसर ही नहीं मिलता, मिलता ही नहीं। श्री राम कृष्ण साहस्य कहते हैं, यह ठीक है, समय हुनवे बिना कुछ नहीं होता। अवसर नहीं मिलता, श्री राम कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तुम नहीं निकालते, हम होते तो कहते कि तुम नहीं निकाल। श्री राम कृष्ण ने यह नहीं कहा, पहले तो कह दिया, कई बातें कह दी, अभ्यास योग की बात तो पूरी कह दी। जब वो कहते हैं कि संसार में रहना बड़ा कठिन है, अभ्यास योग की बात कह दी करो, फिर भी जब वो प्रश्न उठता है कि समझ नहीं होता, तब श्री राम कृष्ण बदल देते, कहा कि मैंने जो पहली बात कही उसमें तो उत्तर विद्यमान है। भगवान के लिए समय निकालो, एकांत में जाओ, करो, लेकिन ये नहीं मान रहा। तब श्री राम कृष्ण कहते हैं, ठीक ठीक, समय बिना हुए बिना नहीं होता। चाहे कितना भी वचनामृत पढ़ लीजिए, कितना भी प्रवचन सुन लीजिए, कितना भी संतों के पास चले जाइए, ऐसे संत जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, सर्वस्व त्याग कर भगवान के लिए व्याकुल होकर रोते हैं, आश्रम में जाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन समय हुए बिना नहीं होता। समय बिना हुए बिना नहीं होता। और हम यदि अपने जीवन को भी जब हम देखते हैं, सिंहावलोकन करते हैं, तो हम लोगों के जीवन में शुरू में के एक प्रकार की भाव, उसके बाद व्याकुलता कब आई, कहां आई? समय बिना नहीं होता, समय हुए बिना कुछ नहीं होता। किसी लड़के ने सोने के पहले अपनी मां से कहा था, मां जब मुझे टट्टी की इच्छा हो तब मुझे उठा देना। उसकी मां ने कहा, बेटा टट्टी की इच्छा तुम्हें स्वयं उठाएगी, मुझे उठाना नहीं होगा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा स्वयं आएगी, बोलने से नहीं होगा। बहुत बोल लिया, वचनामृत पढ़ लिया, उसका धीरे धीरे संस्कार पड़ता है। हमारे भीतर की इच्छाएं वासनाएं पूर्व संस्कार प्रबल होते हैं, धीरे धीरे ये कम होते चले जाते हैं, और तब भीतर में बैठा हुआ जो छोटा मोटा भगवान को प्राप्ति का संस्कार जो इतना पढ़ के आया है, वो बाहर निकलता है। इसके टाइम लगता है, इसके चाहे कितना भी कहो कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत सारे संत लोग, तो उनके पास कोई जावे तो हंसी मजाक करके, कैसे हो भाई, क्या हो, छोड़ देते। स्वामी ब्रह्मानंद जी ऐसे महापुरुष थे जो इच्छा मात्र से भगवत दर्शन करा सकते थे, लेकिन कोई आता था तो हंसी मजाक हो रही उनके साथ में, बैठे हंसी मजाक कर रहे, ताश खेलते थे, चाय पीते थे, हंसी मजाक। लोग जब कहते थे कि महाराज आप कुछ तो बोलिए, इनको उपदेश दीजिए, अरे ये उपदेश सुनने थोड़ी आए हैं, इनको उपदेश चाहिए ही नहीं। वो देख लेते थे आदमी को, उसके अनुसार बातचीत करते थे। जब किसी ने कहा कि महाराज आप में तो भगवत साक्षात्कार कराने की क्षमता है, आप स्पर्श मात्र से भगवान लोगों को भगवत दर्शन करा सकते हैं, उसके उत्तर में कहते हैं, के चाय, कौन चाहता है, कौन चाहता है, कौन ही नहीं चाहता। भगवान भी अगर भगवत दर्शन करने के लिए कराने के लिए आते, बैठे के ठीक है ठहर जाइए, अब मैं दूसरा संसार का काम कर लूं, बेटी की शादी कर लूं, उसके बाद में फिर देखा जाए। तो इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं, ठीक बात तुमने जो कही, पुकारने का अवसर नहीं मिलता, ठीक है, अभी तुम बिजी हो उसमें रहो,
जब टाइम आएगा तब अपने आप टाइम मिल जाएगा, समय आएगा तब हमको और किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ को बच्चे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटा उठ के टट्टी जा, अपने आप वो भगवान को पुकारेगा। जिसे जो कुछ देना चाहिए यह उनका पहले से ही ठीक किया हुआ है। अब भगवान श्री राम कृष्ण दूसरी बात कहते हैं, जिसको जो देना है, भगवत दर्शन देना है, यह करना है, भगवान ने पहले से ठीक किया हुआ है, सब बराबर एडजस्ट किया हुआ है। यह उनका पहले से ठीक किया हुआ है। घर की एक पुरखिन जिन बहुओं को एक बर्तन से नाप कर चावल बनाने को देती थी, पर उतना चावल उन लोगों के कम पड़ता था। एक दिन वह नापने वाला बर्तन फूट गया, इससे बहुएं बहुत खुश हुई, पर उस पुरखिन ने कहा, तुम्हारे नाचने कूदने या खुशी मनाने से क्या होगा, मैं चावल अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूँ, मुझे अंदाज मालूम है। ये आप लोग जाने अच्छी तरह समझते हैं, इसके आगे की चर्चा हम अगली बार करेंगे।